हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घर में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने तीन क्लासेस देख ली थी, जिसमें लगभग 274 यानी 274 वन वर्ड्स हम लोग देख चुके थे। और आज जो मैं लेके आई वो फाइनल है, लास्ट क्लास है हमारी। और मैक्सिमम मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड लेके आ चुकी हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ग्रामर कहीं पर भी जाके रुकती नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ग्रामर या वोकैबलरी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो आगे से आगे चलती रहती है। ये मेरी एक कोशिश है कि मैक्सिमम हिस्सा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो मैंने कोशिश की है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो वन वर्ड हम लोगों ने देखे थे, हो सकता है कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई वापस से हो भी जाए। तो देखिए, आज का हमारा पहला है द वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट्स। वह औरत जो गेस्ट या मेहमानों को एंटरटेन करती है, वो है होस्टेस, HOSTESS। होस्टेस। सेकेंड, अ व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ सिक और वूंडेड पर्सन। वह व्हीकल या वह या वाहन जिसमें बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाया जाता है, वो होता है एम्बुलेंस, AMBULANCE, एम्बुलेंस। अ व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, हियर्स। वह साधन जिससे डेड बॉडी को ले जाया जाता है, जिसे कि हम हिंदी में शव वाहन कहते हैं, हियर्स, HEARSE। फिर अ यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का मिला के एक संघ जो बनता है, वो है कोइलिशन, COALITION, कोइलिशन। एंड आइडियल टॉक, बेकार की इधर उधर की बात कहलाती है गॉसिप, GOSSIP, गॉसिप। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। वह इंसान जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में के मामले में स्पेशलिस्ट होता है, वह डॉक्टर, वो कहलाता है ऑब्स्टेट्रिशियन यानी प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन। फिर है अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज, हड्डियों की डिजीज में या हड्डियों की बीमारी में स्पेशलिस्ट व्यक्ति, ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, हृदय संबंधी रोगों का स्पेशलिस्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का विशेषज्ञ जो होता है, वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट, NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका विशेषज्ञ। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, बच्चों की बीमारियों का विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन, PEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, दांतों की जांच करने वाला डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक। अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उनका अध्ययन, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, बायोलॉजिस्ट। पहले तो था बायोलॉजी और अब है बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी। फिर आता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन वो कहलाता है बॉटनी, वनस्पति शास्त्र। फिर अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, बॉटनिस्ट, वह व्यक्ति जो वनस्पति का अध्ययन करता है, वनस्पति शास्त्री, दैट इज बॉटनिस्ट, BOTANIST, बॉटनिस्ट। फिर है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का अध्ययन, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन, जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी। अ ग्रुप ऑफ शिप, बहुत सारे पानी के जहाज, शिप होता है पानी के जहाज, पानी के जहाजों का समूह, वो कहलाता है फ्लीट, FLEET, फ्लीट, बेड़ा। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसानी मांस खाने वाला, कैनिबल, जैसे शेर है, चीता है, उनको हम कैनिबल कहते हैं, CANNIBAL, कैनिबल। फिर पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही साथ रहने वाले लोग,
कॉन्टेम्प्ररी, समकालीन, CONTEMPORARY, कॉन्टेम्प्ररी। फिर है अ प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर, वह जानवर या पौधा जो दूसरे पर जीवित रहता है वो कहलाता है पैरासाइट, परजीवी जिसे कहते हैं, PARASITE, पैरासाइट। फिर है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई हो वो कहलाता है ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन, अनाथ। अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का प्रेम करने, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति, पेट्रॉयट, देश प्रेमी, देशभक्त या देश प्रेमी, PATRIOT, पेट्रॉयट। अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, वह व्यक्ति जो विदेशों से सामग्री देश में मंगाता है या लाता है, इम्पोर्टर, IMPORTER, इम्पोर्टर। अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, वह व्यक्ति जो दूसरे देशों को सामग्री भेजता है वो कहलाता है एक्सपोर्टर, EXPORTER, एक्सपोर्टर। अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान का मृत शरीर, कॉप्स, CORPSE, कॉप्स। अ डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, देखो इंसानों की डेड बॉडी और जानवरों की डेड बॉडी, जानवरों का डेड बॉडी कहलाती है कारकेस, CARCASE, कारकेस। अ पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों का की जीवनी लिखता है, बायोग्राफर, BIOGRAPHER, बायोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, एक व्यक्ति जो अपनी ही जीवनी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, AUTO, ऑटो। फिर है बायोग्राफर, BIOGRAPHER, ऑटोबायोग्राफर, आत्मकथा लेखक। फिर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक इंसान का अपना जीवन वृत्त जो वो खुद लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, किसी जीवन किसी इंसान की जीवनी जो कोई और लिखता है वो कहलाता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, खुद अपना जीवन चक्र लिखना, और बायोग्राफी, किसी और का जीवन चक्र कोई और लिखता है। फिर है पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह व्यक्ति जो अनमैरिड रहता है, दैट इज कॉल्ड बैचलर। अ वुमन ही रिमेन्स अनमैरिड, वह औरत जो अनमैरिड रहती है, दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। A list of days, weeks and months of a year, एक वर्ष के दिन, सप्ताह या और महीनों का पूरा लिस्ट, दैट इज कैलेंडर, CALENDER। A person who builds building, वह व्यक्ति जो भवन निर्माण करता है, मैसन, MASON, मैसन। An officer of highest rank in military, सबसे highest rank का military में, सेना में सबसे हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर, मार्शल, MARSHAL। अ पर्सन वन हु इज ऑल पावरफुल, वह जो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, जो कि हम भगवान के लिए यूज करते हैं, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, इसकी स्पेलिंग है OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह प्रेजेंट है या उपलब्ध है, सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र। वन हु नोज एवरीथिंग, वह इंसान जो सब कुछ जानता है, दैट इज ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट, सर्वज्ञ, OMNISISCIENT, ओमनीसाइंट। फिर है वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। अ स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, साल दर साल घटनाओं का चक्र जो कि लिखा, कहानी के रूप में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एनल्स, क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण, ANNALS, एनल्स। फिर है अ सब्सटेंस लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म, ईथर या क्लोरोफॉर्म के जैसा कोई जो सब्सटेंस होता है, दैट इज एनेस्थेटिक, जिससे कि बेहोश किया जाता है,
ANAESTHETIC, अ टीवी एरियल, टीवी का एरियल वो क्या कहलाता है, एंटेना, ANTENA, एंटेना। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है, ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन यानी कि पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। अ सेक्युलर मोड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का गोल आकृति, द मॉडल ऑफ द अर्थ वो है ग्लोब। इससे अगला है स्पेक्टेकल टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम सन, विंड और डस्ट, सूर्य की गर्मी, धूप, हवा और या रेत से बचाने वाला आंखों का जो प्रोटेक्शन होता है स्पेक्टेकल, दैट इज कॉल्ड गॉगल्स, हम जिसे काला चश्मा कहते हैं ना, गॉगल्स। स्पेलिंग है GOGGLES, अ पार्ट ऑफ द ओशन और सी, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड, समुद्र का वो हिस्सा जो लगभग हर तरफ से जमीन से घिरा हो, दैट इज कॉल्ड गल्फ यानी कि खाड़ी, GULF, गल्फ। फिर अ टूल विद हैवी मेटल हेड, एक ऐसा जो सामग्री जिसका कि एक मोटा सा मेटल का सिर होता है, दैट इज हैमर, HAMMER, हैमर, हथौड़ा। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ships, जहाजों के लिए आरामगाह, जहाजों का जो गोदी होता है, दैट इज कॉल्ड हार्बर, HARBOUR, हार्बर। अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच पंप्स ब्लड थ्रू द सिस्टम, हमारे शरीर का वह हिस्सा जो हमारे पूरे तंत्र में, शारीरिक तंत्र में खून को पंप करता है, दैट इज हार्ट, HEART, हार्ट। अ फिगर ऑफ 7 साइड्स, जो 7 तरह जो साइड्स होती हैं, ठीक है ना, ये तो पेंटागन हो गया, दिस इज दिस एंड दिस, 7 साइड्स वाला हेप्टागन, HEPTAGON, हेप्टागन। अ फिगर ऑफ 6 साइड्स, 6 साइड्स वाला आकृति, हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। अ राइटर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का लेखक, इतिहासकार, हिस्टोरियन। अ प्लेस फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए जगह, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल। अ डॉग यूज फॉर हंटिंग, शिकार के लिए काम में लिए गए कुत्ते, जिनको कि हम शिकारी कुत्ते कहते हैं, दे आर कॉल्ड हाउंड, HOUND, हाउंड। अ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लेनेट या सबसे बड़ा ग्रह वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। अ मेंबर ऑफ अ ज्यूरी, ज्यूरर, GUROR, ज्यूरर। अ प्लेस वेयर क्लोथेस आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, वह जगह जहाँ कपड़े धुलते हैं और उनको आयरन की जाती है, दैट इज लॉन्ड्री, LAUNDRY, लॉन्ड्री। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, वह व्यक्ति जो कानून के नियमों की प्रैक्टिस करता है, लॉ की प्रैक्टिस करता है, इज कॉल्ड लॉयर, LAWYER, लॉयर। एन आर्मी ऑफिसर हु इज बिलो अ कैप्टन इन रैंक, वह आर्मी ऑफिसर जो कैप्टन से नीचे की रैंक में होता है, दैट इज लेफ्टिनेंट। देखिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में एफ कहीं नहीं आता, दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनेंट, LIEUTINANT, लेफ्टिनेंट, ठीक है। एन आर्मी ऑफिसर हु इज अबव द रैंक ऑफ अ कैप्टन, कैप्टन से ऊपर की रैंक का, दैट इज कॉल्ड मेजर, MAJOR। अ हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका का जो हेड होता है वो कहलाता है मेयर, MAYOR। अ विंग्ड इंसेक्ट दैट फ्लाइज इन स्वॉर्म, स्वॉर्म होता है झुंड, एंड डिस्ट्रॉयज क्रॉप, वह पंखधारी कीड़ा जो झुंड में उड़ता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है, दैट इज लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट, टिड्डा जो आते हैं ना फसल को, पूरी की पूरी फसलों को चट कर जाते हैं। अ मशीन दैट इज यूज फॉर वीविंग क्लोथ, एक वह मशीन जो कपड़ा बुनने के काम आती, दैट इज लूम, LOOM, लूम। तो यहाँ लगभग आज मैं 63 वन वर्ड और लेके आई, और यहाँ मेरा आज का और इस सीरीज का आखिरी वीडियो है।
इसके अलावा भी आपको बुक्स में कहीं और भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी स्टडी कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, ग्रामर और वोकैबुलरी कहीं ख़त्म नहीं होती, इट कंटिन्यूज़। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।